बीएससी तृतीय सत्र के विद्यार्थियों स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम कल के कक्षा में क्या देखे थे, सावित्री दफ्तर से आकर थक जाती है और किस तरह घर का हालत बना हुआ था वो सब देखती है और बिखरे हुए चीजों को उठा कर रखती है। तब पुरुष एक आता है, पुरुष एक कौन है, महेंद्रनाथ उसका पति है। किस तरह उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, थोड़ा बहुत बहस हो जाती है, तो ये हमने कल के कक्षा में देखा था। तो उसके आगे के भाग का क्या करेंगे आज हम देखेंगे। तो सावित्री के घर कौन आ रहा है, जो सिंघानिया, सिंघानिया कौन है, उसका बॉस है। किसका बॉस है, जो सावित्री है ना, स्त्री है ना, तो इसका बॉस है, क्योंकि इस बॉस के हाथ में, यानी वहां पर वो काम करती है, दफ्तर में काम करती है। तब वो घर आने वाला था, तब क्या करती है, महेंद्रनाथ को बता देती है ऐसे ऐसे वो आ रहा है। तब पूछता है, महेंद्रनाथ पूछता है, क्या पूछता है, कौन आने वाला है, सिंघानिया, तो इस तरह प्रश्न करता है। तो ये बोलती है हाँ, सिंघानिया आने वाला है, क्योंकि वो किसी के और खाने के लिए आ रहा है, डिनर के लिए आ रहा है, तो आते आते 5 मिनट के लिए क्या करेगा, इधर से गुजर जाएगा, इस तरह कह देती है। और ये होने के बाद थोड़ा वो कड़वाहट का हंसी हंसता है या ऊह बोलता है, तो स्त्री बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो और तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरह बोलती है। क्योंकि जब सिंघानिया घर आने वाला रहता है ना, तब ये पुरुष क्या करता है, हमेशा घर से बाहर निकल जाता है, घर में ही नहीं रहता है। जब सिंघानिया आने वाला रहता है, तब ये पुरुष एक महेंद्रनाथ घर में नहीं रहता है, तो उस वक्त क्या करता है, घर से बाहर चला जाता है। तो इसलिए स्त्री क्या करती है, बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो और तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरह बोलती है। यहाँ तक हुआ था, तो आगे के देखते है। तो पुरुष एक बोलता है, पुरुष एक कौन है, महेंद्रनाथ है, तो बोलता है, क्या बोलता है, देखो तुम्हीं कहा होगा उसे आने के लिए, तो यहाँ पर अपने पत्नी से बात करता है, क्या करता है, तुम ही बोले होंगे आने के लिए, इस तरह कहता है। तो स्त्री बोलती है, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, तो क्या बोलती है, कहना फर्ज नहीं बनता, क्योंकि कोई रिश्तेदार आते हैं तो आते आते हमारे घर आकर चले जाइए, ऐसे बोलना हमारा फर्ज बनता है। तो वैसे ही वो बोला था कि मैं तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ डिनर के लिए आ रहा हूँ, इस तरह बोला था, तो इसलिए मुझे बोलना वहाँ पर मजबूरी हो गया, मेरा फर्ज बन गया कि वहाँ पर आते आते मेरे घर पर भी चले आओ, इस तरह वो बोल देती है, क्योंकि यहाँ पर बोलना मेरा फर्ज है, इस तरह कहती है। पुरुष एक बोलता है, बॉस का मतलब यह थोड़ी है ना, तो आगे बोलते बोलते स्टॉप हो जाता है, आगे के वाक्य को नहीं बोलता है, इनकम्प्लीट करता है, वाक्य को आधा काट देता है, आगे क्या बोलने वाला था उसको पता है, स्त्री को पता था, तो इसलिए आधे बात को क्या करता है, वहीं पर टाल देता है या काट देता है। बॉस है, वो बॉस होगा उसके ऑफिस में होगा, हमारे घर पर नहीं, इस तरह पुरुष एक बोलता है। महेंद्रनाथ बोलता है, बॉस होगा तुम उसके ऑफिस में होगा, यहाँ पर नहीं, और बॉस है तो क्या उसको घर पर बुलाओगे, हर रोज बुलाओगे क्या, इस तरह क्या करता है, महेंद्रनाथ अपनी पत्नी से बात करता है। तो स्त्री बोलती है, तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके मातहत। तो स्त्री बोलती है, क्या बोलती है, तुम ज्यादा जानते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो उसको, इस तरह प्रश्न करती है और बोलती है, काम तो मैं करती हूँ, मातहतनी उसके हाथ में, उसके ऑफिस में, उसके दफ्तर में कौन काम करता है, मैं काम करती हूँ, मुझे पता है किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना, ये मुझे पता है, तुम क्या बताते हो, इस तरह उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है। तो पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाते हुए होकर एकाएक हटा देता है, तो उसका कुछ चलता ही नहीं है। पुरुष एक कौन है, महेंद्रनाथ है, उसका कुछ चलता नहीं, इतना बोलता है और वहां से अपने कुर्सी के ऊपर हाथ रखा था जो झुला रहा था, उसको क्या करता है, हटा देता है वहां से। तो पुरुष एक किस वक्त आएगा, टाइमिंग क्या है, कौन से समय में आएगा, प्रश्न करता है। स्त्री बोलती है, पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से, मुझे टाइम वगैरह कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कब आएगा पता नहीं, जब भी इधर से गुजरेगा तब आकर चला जाएगा, इस तरह बोल देती है। पुरुष एक बोलता है छिले हुए स्वर में, यह अच्छा है, तो छिले हुए स्वर में बहुत ही कठोर या गुस्सा होकर नाराज होकर बोलता है, यह ठीक है,
इस तरह बोल देता है। स्त्री बोलती है, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि दो बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आ रहा है। तो ये सिंघानिया कितनी बार आ चुका था? दो बार आ चुका था और आज तीसरी बार आने वाला है। तो स्त्री बोलती है, अपने पति से बोलती है, क्या बोलती है, लोगों को तो ईर्ष्या हो रही है मुझसे, क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है क्योंकि बॉस सिंघानिया है, बॉस मेरे घर पर दो बार आकर चला गया है और आज कितनी बार, तीसरी बार आने वाला है। तो इसलिए ऑफिस के जो बाकी के लोग रहते हैं, दफ्तर में जो काम करने वाले लोग रहते हैं ना, उनको पता है और वो क्या कर रहे हैं, मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि तीन बार मेरे घर आकर चला गया है। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, मुझसे ईर्ष्या कर रहे। ये बात किसको बताती है? पुरुष एक को बताती है। पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ इसके पति है। और स्त्री बोलती है, कैंची मैगजीन और तस्वीरें समेट कर पढ़ने की मेज की दराज में रख देती है, किताबें बैग में बंद कर उसे एक तरफ सीधा खड़ा रखती है। तो क्या कहती है, जो सारे चीजें बिखरे हुए थे, तो नाटक चल रही है, आधे अधूरे एक नाटक है, तो यहाँ पर रिश्तों का मतलब बताया है, किस तरह रिश्ते बिगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मेल जुल नहीं रहे है, वो सब यहाँ पर मोहन राकेश ने बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। तो नाटक के मंच में एक हॉल है, हॉल में ये सब चल रहा है, जो किताबें इधर उधर बिखरी हुई है, मैगजीन बिखरे हुए है, जो फोटोज है हॉलीवुड की, जो फोटोज, जो हीरोइन की जो तस्वीर है उसको आधे कटे हुए है, उन सबको क्या करती है, समेटती है। और जो मेज की दराज रहती है, ड्रावर रहती है, उसमें क्या करती है, समेट कर रख देती है क्योंकि बॉस आ रहा है, सिंघानिया आ रहा है, तो घर को ठीक ठाक रखना है। क्योंकि जब भी हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं तो हमको घर को क्या करते हैं, हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, ठीक तरह से रखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर स्त्री सावित्री भी क्या करती है, बॉस आ रहा है तो घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती है, जितने भी सारे जो चीजें इधर उधर बिखरी हुई है उसको क्या करती है, समेट कर एक जगह ठीक तरह से रख देती है। पुरुष एक बोलता है, तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ, तो प्रश्न करता है। पुरुष एक प्रश्न करता है, अपनी पत्नी से प्रश्न करता है, क्या करता है, तो लोगों को भी पता है वो हमारे घर आता है, इस तरह क्या करता है, प्रश्न करता है। क्योंकि लोगों को बात पता चल गई है, बॉस बार बार जो सावित्री के घर आता है, तो इसलिए पति थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि जो हमारे बीच की जो बात थी वो आज बाहर चली गई है, लोगों को भी पता चल गया है कि बॉस इसके घर आता है, तो इसलिए थोड़ा निराश हो जाता है। तो स्त्री बोलती है, एक तीखी नजर उस पर डालकर, क्यों, बुरी बात है, तो गुस्से से नाराज होकर क्या करती है, तीखी नजर अपने पति के ऊपर डालकर बोलती है, क्यों, क्या बुरी बात है इसमें, इस तरह क्या करते हैं, प्रश्न करती है। पुरुष एक बोलता है, मैंने कहा है बुरी बात, तो पुरुष एक भी बोलता है, मैंने कहा क्या, जो सिंघानिया तुम्हारा बॉस हमारे घर पर आता है ये बुरी बात है, मैंने कहा क्या, नहीं कहा, तो ऐसे ही मैंने पूछा, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है, मैं तो ऐसे ही बोला, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि तुम्हारा बॉस हमारे घर पर आता है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं कहता हूँ। इस तरह क्या करते हैं, दोनों बहस करने लगते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात बोल रहे ना, ये दिल से नहीं बोल रहा है, ये कड़वाहट के साथ बोल रहा है क्योंकि उसको सिंघानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पर ये काम करती है वो बिल्कुल भी महेंद्रनाथ को पसंद नहीं है, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि स्त्री अकेली कमाती है, घर को चला रही है, महेंद्रनाथ कुछ भी कमाता नहीं है, घर पर जो बीवी की कमाई के ऊपर पलता है, तो इसलिए आगे कुछ नहीं बोलता है। तो इसलिए इतना ही बोलता है, मैंने कब कहा बुरा है, तो इस तरह कहता है। स्त्री बोलती है, तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरे। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल रहा है, डायरेक्टली नहीं बोलता है, इनडायरेक्टली बोलता है, क्या बोलता है, मैंने कब कहा सिंघानिया हमारे घर ना आए और मुझे बुरा लगता है, मैंने कब कहा, क्या, नहीं कहा, इस तरह कहता है। और स्त्री बोलती है कि जो कुछ भी तुम बोलते हो, जो कुछ भी तुम कहते हो ना, मेरी समझ में आती है, जिस तरह तुम बात करते हो, तीखे बात करते हो, वो सब मुझे समझ में आती है, इस तरह से क्या करती है, स्त्री बोल देती है। पुरुष एक बोलता है, तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूं, अगर चुप रहता हूं तो, आगे बोलते बोलते स्टॉप हो जाता है, ठीक है मैं आगे कुछ नहीं बोलता हूं, चुप ही खड़ा रहता हूं, अगर मैं चुप खड़ा रहा
तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता और मैं कुछ बोलूं तो भी अच्छा नहीं लगता, तो करूं तो क्या करूं मैं। इस तरह महेंद्रनाथ क्या करता है, अपने पत्नी से बात करता है। स्त्री बोलती है, तुम चुप रहते हो और ना कोई, तुम चुप रहते हो, इस तरह बोलती है, क्योंकि ये चुप बैठने वाला आदमी भी नहीं है और ऐसे उल्टा सुल्टा बोलता भी रहता है और ये चुप नहीं बैठता है, तो इसे इनडायरेक्टली क्या करता है, दिल को चुभने जैसे बातें करता है। कौन करता है? महेंद्रनाथ। लेकिन स्त्री सावित्री को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अपनी चीजें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। स्त्री क्या करती है, उन बातों को छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। जो यहाँ वहां सामान सब गुजरे बिखरे हुए थे ना, उन सबको क्या करती है, ठीक तरह से रखने में व्यस्त हो जाती है, अपने काम में लग जाती है। पुरुष एक पहले जब जब आया है वह, मैंने कुछ कहा है तुमसे, तो बोलता है पुरुष एक महेंद्रनाथ अपनी पत्नी से बोलता है, क्या बोलता है, जब जब भी वो अपने हमारे घर घर पर आया तब मैंने कुछ बोला है क्या, उससे झगड़ा किया है क्या, कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, इस तरह बोलता है। तो स्त्री बोलती है अपनी शर्म के मारे, तो यहाँ पर स्त्री बोलती है किसको बोल रही है, अपने पति को बोल रही है, अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर ही नहीं रहे, तो यहाँ पर स्त्री बोलती है शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आती थी इसलिए तुम घर पर ही नहीं रहते थे। तब वो घर पर आता था सिंघानिया, मेरा बॉस घर पर आया था दो बार ना, तब तुम शर्म के मारे घर से बाहर निकल गए थे, घर से बाहर निकल गए थे, घर पर ही नहीं रहे थे। तो पुरुष एक बोलता है उसमें क्या है, मेरा काम था इसलिए मैं बाहर गया था, तो उसमें क्या है, प्रश्न करता है। आदमी को काम नहीं हो सकता क्या, बाहर बाहर जाने के लिए आदमी को काम नहीं हो सकता, मुझे भी काम था इसलिए मैं बाहर गया था, जब मैं बाहर गया था तब तुम्हारा बॉस घर पर आया था, इस तरह क्या करता है, पुरुष बोलता है। स्त्री बोलती है व्यस्त, वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें, तो यहाँ पर स्त्री बोलती है आज आने वाला है ना, मेरा बॉस आने वाला है, सिंघानी आने वाला है ना, तो आज भी तुम व्यस्त ही हो जाओगे, अपने काम के मतलब से तुम आज भी घर से बाहर ही निकल जाओगे। पुरुष एक बोलता है ओ छापड़ कर, जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यह रहना, तो मुझे आज भी जाना है, मेरा काम बाहर है, जाना है जरूरी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे ऊपर अवलंबन है, क्या अगर तुम मुझे यहाँ रहने के लिए बोलोगे तो मैं रह लूंगा, अगर मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा, मेरे काम के वास्ते मैं चला जाऊंगा, इस तरह बोलता है। स्त्री बोलती है मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, स्त्री बोलती है मेरे लिए यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यह देखते कि कमरे में और कुछ करने को शेष नहीं है, तो और इधर उधर क्या करती है, काम करते करते बातचीत कर रही है, स्त्री बात करते क्या कर रही है, काम करते करते अपने पति से वार्तालाप कर रही है, बहस कर रही है, इधर उधर और देखती है क्या कुछ काम करना बाकी है, क्या समेटना बाकी है, क्या देखती है, और तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की, मैं बना रही हूँ अपने लिए, तो पूछती है मैं अपने लिए खुद के लिए चाय बना रही हूँ और तुम्हें एक प्याली चाहिए क्या चाय, इस तरह पूछती है। पुरुष एक बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी, तो यहाँ पर पुरुष एक बोलता है अगर खुद के लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी एक प्याली बना दो, इस तरह बोलता है, क्या चाय बनाने के लिए बोलता है। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है, तो स्त्री क्या करती है अंदर रसोई के घर में जा ही रही थी तभी क्या करती है सुनो, क्या करती है सुनो, किसको आवाज देती है, अपने पति को आवाज देती है सुनो। स्त्री रुक कर उसकी तरफ देखती है, तो यहाँ पर क्या करती है रुक जाती है। तो विद्यार्थियों आज हमने आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ और स्त्री सावित्री किस तरह एक दूसरे से बात करते हैं, कौन सी बात को लेकर, सिंघानिया बॉस है बॉस को लेकर किस तरह यहाँ पर वार्तालाप करते हैं, बहस करते हैं, उसको लेकर आज हम आज की कक्षा में देखें। तो कल की कक्षा में हम सिंघानिया के बारे में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।